सब्सक्राइब वाइस वर्ड प्रेस गुरु। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ अनीश शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल वाइस वर्ड प्रेस गुरु पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड डेंसिटी के बारे में। दोस्तों, यदि आपके कोई ब्लॉग पोस्ट है या पेज है जिसे आप किसी कीवर्ड पे गूगल में टॉप में रैंक करवाना चाहते हैं, तो कोई भी जो आपका ब्लॉग पोस्ट या पेज है उसको किसी कीवर्ड पे टॉप पे रैंक करवाने के लिए जो है हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका ब्लॉग पोस्ट उस कीवर्ड पे टॉप पे रैंक होगा या आपका पेज उस कीवर्ड पे टॉप पे रैंक होगा। ये हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स हैं एसईओ में जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, लेकिन उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि आप अपने मतलब ब्लॉग पेज को या ब्लॉग पोस्ट को किसी कीवर्ड पे टॉप पे रैंक करवाना चाहते हैं अगर गूगल सर्च इंजन के अंदर, दोस्तों जो कीवर्ड डेंसिटी है वो अब जो भी आपका मतलब आर्टिकल है उसको उसकी जो कीवर्ड डेंसिटी है वो लगभग 1 से 2% के बीच में होनी चाहिए। अगर ये 2% से अबव है तो आपके पेज को जो है या ब्लॉग पोस्ट को जो है उस कीवर्ड पे रैंक टॉप रैंक होने में प्रॉब्लम आ सकती है या हो सकता है कि वो टॉप रैंक ना हो क्योंकि उसकी कीवर्ड डेंसिटी ज्यादा है, मतलब जो ऑन एवरेज चाहिए। तो 1 से 2% के बीच में आपकी कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए, 2 से अबव नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपके कीवर्ड को रैंक होने में दिक्कत हो सकती है गूगल सर्च इंजन के अंदर। और दोस्तों, अगर आपकी कीवर्ड डेंसिटी 2% से ज्यादा है तो आपको इसे फिक्स करना पड़ेगा, तभी आपका आर्टिकल जो है गूगल में रैंक करेगा, अदरवाइज ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, आपको गूगल में टॉप रैंकिंग नहीं मिल पाएगी उस ब्लॉग पोस्ट के लिए स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि कीवर्ड डेंसिटी को कैसे चेक करें और कैसे फिक्स करें। तो दोस्तों, कीवर्ड डेंसिटी को आप मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं और इसके लिए कुछ टूल्स भी हैं, ठीक है, जो कि फ्री हैं, और बहुत सारे टूल्स हैं जो कि क्विकली विद इन सेकेंड्स जो है आपको मतलब बता देंगे कि आपके जो ब्लॉग पोस्ट है या जो आपका कंटेंट है उसके उसकी कीवर्ड डेंसिटी जो है आर्टिकल की क्या है। पर मैनुअली में एक दिक्कत है कि अगर आपका आर्टिकल बड़ा है तो आपको बहुत माथापिची करनी पड़ेगी और काफी समय भी इसमें जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप कीवर्ड डेंसिटी टूल का यूज करते हैं किसी का भी, और फ्री में बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं जो कि मतलब क्विकली जो है मतलब इन सेकेंड्स जो है आपके आर्टिकल को एनालाइज करके आपको आपकी आर्टिकल की कीवर्ड डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और फिर उसके हिसाब से आप उसे फिक्स कर सकते हैं। वो आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैनुअली फिक्स करने के बाद फिर से अपनी कीवर्ड डेंसिटी को चेक कर लीजिए अपने आर्टिकल को कीवर्ड डेंसिटी टूल में कि वो प्रॉपर आ गई है या नहीं। अगर वो 1 से 2% के बीच में है या 2% तक है तो ये ठीक है आपके लिए। अगर इससे ज्यादा है या मान लीजिए पहले 6% थी अभी 3% है तो भी वो 2% से ज्यादा है तो उसे और आपको फिक्स करने की जरूरत है। तो उसको फिर से जाकर मैन्युअली फिक्स कीजिए और फिर से चेक कीजिए। जब वो 1 से 2% के बीच में आ जाए या 2% तक आ जाए तो वो आपके लिए सही है और आपका जो कीवर्ड डेंसिटी इशू है वो फिक्स हो जाएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो है एक फ्री कीवर्ड डेंसिटी टूल के बारे में बताने जा रहा हूं। बाकी दोस्तों, ये तो हुई बात कीवर्ड डेंसिटी के बारे में और कीवर्ड डेंसिटी का कितना परसेंटेज सही है इसके बारे में, या फिर कीवर्ड डेंसिटी को कैसे चेक किया जा सकता है और कैसे फिक्स किया जा सकता है। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं एक फ्री कीवर्ड डेंसिटी टूल के बारे में जिसका यूटिलाइज करके आप जो है अपने किसी भी ब्लॉग पोस्ट या पेज की कीवर्ड डेंसिटी जो है मतलब चेक कर सकते हैं और उसे फिक्स कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस टूल के बारे में। ये टोटली फ्री है और ये बहुत अच्छा टूल है, मैंने पर्सनली भी यूज किया है और ये आपकी कीवर्ड डेंसिटी को सेकंड्स में आपको बता देगा और अगर ये ज्यादा है तो आप उसे फिक्स कर पाएंगे और यहाँ पर फ्री में उसको चेक कर पाएंगे चाहे जितनी बार चेक कीजिए। तो आइए बात करते हैं इस फ्री कीवर्ड डेंसिटी टूल के बारे में जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो दोस्तों, गूगल पर जाकर टाइप कीजिए कीवर्ड डेंसिटी चेकर। जैसे आप यहां पर डालेंगे तो यहां पर आपको एक लिंक मिलेगा टॉप 10 में जो कि है pre-post-seo.com कीवर्ड डेंसिटी
चेकर, ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, आप सीधा इस टूल पर पहुंच जाएंगे और आप इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो वेबसाइट है इसका नाम है prepostseo.com, ठीक है, आप सीधा इस पर जाकर भी कीवर्ड डेंसिटी टूल पर जो है इसका पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मतलब इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ टाइप करके आपको ये टूल मिल जाएगा और इस पर क्लिक करके आप इस तक रीच कर जाएंगे, ठीक है, और ये टूल खुल जाएगा। तो दो तरीके से, गूगल पर जाकर और सीधे prepostseo.com पर जाकर आप जो है इस टूल तक रीच कर सकते हैं। और ये जो prepostseo.com है ये एक किस्म का SEO टूल्स का जो है पैकेज है। इसमें बहुत सारे SEO टूल्स हैं जो आपके काम के हैं, वो भी आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं और कीवर्ड डेंसिटी टूल तक रीच करने के लिए भी आप इस सीधा prepostseo.com पे जाके कीवर्ड डेंसिटी टाइप करके आप कीवर्ड डेंसिटी टूल तक पहुंच सकते हैं, या फिर गूगल में कीवर्ड डेंसिटी चेकर करके टॉप 10 में आपको prepostseo.com का लिंक मिल जाएगा कीवर्ड डेंसिटी वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टूल पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस कीवर्ड डेंसिटी चेकर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है आप दो तरीके से जो है अपनी कीवर्ड डेंसिटी चेक कर सकते हैं। एक तो जो आपने आर्टिकल लिखा है उसे कॉपी पेस्ट यहाँ कर दीजिए और इस बटन पर क्लिक कर दीजिए, वो आपको बता देगा कि आपकी कीवर्ड डेंसिटी का स्टेटस क्या है। और दूसरा है कि एंटर यूआरएल, यहाँ पर जो भी आपका आर्टिकल है उसका यूआरएल कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद ऑनलाइन कीवर्ड डेंसिटी चेकर इस मतलब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको आपकी कीवर्ड डेंसिटी की रिपोर्ट दे देगा। ठीक है, और सबसे बेस्ट वे जो है वो है एंटर यूआरएल, सीधा आप जो भी आपका आर्टिकल या मतलब ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल है उसको लीजिए और यहाँ पेस्ट कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपको जो है अपनी कीवर्ड डेंसिटी रिपोर्ट मिल जाएगी अपने आर्टिकल के बारे में। ठीक है, जैसे कि ये वर्ड है ये 12% यूज हो रहा है, 24 टाइम्स यूज हो रहा है, ये 3% से अबव यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें ये वन वर्ड डेंसिटी, टू वर्ड डेंसिटी और थ्री वर्ड डेंसिटी दिखाएगा। तो थ्री वर्ड डेंसिटी में तो लगभग जो है 1% से भी कम है तो ये ठीक है। ठीक है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये लगभग टू वर्ड डेंसिटी अगर हम देखें तो ये डेढ़ 1 से 1.5% के बीच में ही है। ठीक है, ये भी ठीक है लेकिन इसमें थोड़ी सी फिक्सेशन की जरूरत है जहां आप फिक्स कर सके। ठीक है, जैसे कि ये वर्ड बहुत बार यूज हो रहा है, इसकी जगह आप जो है थोड़ा अल्टरनेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं या सिमिलर वर्ड यूज कर सकते हैं और उससे इसको रिप्लेस करके इसकी डेंसिटी को कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको आर्टिकल में जाके यहाँ पे फिक्स करना होगा जहां भी आपका आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, और इसकी कीवर्ड डेंसिटी को आपको जो है 2% तक लाना है या जितना आप कम ला सकें। 12% बहुत ज्यादा है, इसको आप जितना कम ला सकें उतना लाना है। और इस टूल के जरिए जो है आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इसके बाद आपको इसको अपने आर्टिकल में जाके फिक्स करना है और जितना आप फिक्स कर सके उतना बेटर है और 2% तक इसको ला सके तो बहुत बढ़िया है। बाकी फिर दोबारा से इसको यहाँ पर आप यूआरएल डाल के फिर से इसको मतलब चेक करना है, फिर जब ये प्रॉपर आ जाएगा तो आपका जो कीवर्ड डेंसिटी इशू है वो फिक्स हो जाएगा, तो ये आपके लिए बेटर है। तो इस तरह से दोस्तों इस कीवर्ड डेंसिटी चेकर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टोटली फ्री है जैसा कि मैंने आपको बताया और इसमें चेक करके आप जान सकते हैं कि आपकी कीवर्ड डेंसिटी क्या है आपके आर्टिकल की और उसको मैनुअली जाकर यहाँ फिक्स करके और फिर दोबारा से उसको चेक करके ठीक है यहाँ जान सकते हैं कि वो कितनी कम हुई और जब वो सही मतलब पॉइंट पे आ जाए, ठीक है 2% के आसपास आ जाए तो फिर आप मतलब ये है कि वो सही हो गया तो उसके बाद आप फिर मतलब आपका जो कीवर्ड डेंसिटी इशू है वो फिक्स हो गया। तो इस तरह से दोस्तों इस टूल के जरिए जो टोटली फ्री है इसके जरिए आप जो है अपनी कीवर्ड डेंसिटी चेक कर सकते हैं और उसे फिक्स कर सकते हैं, वो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। और कीवर्ड डेंसिटी का क्या महत्व है, ये क्यों इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये मैं ऑलरेडी आपको शुरुआत में ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे हम अपने आर्टिकल की या अपने ब्लॉग के आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट की कैसे हम जो है
किस तरह से हम कीवर्ड डायनेसिटी चेक कर सकते हैं और किस तरह से उसे फिक्स कर सकते हैं, ये कितनी होनी चाहिए और ये क्यों जरूरी है। तो ओवरऑल इस मतलब जो वीडियो में है मैंने ये सारी चीजें मतलब जो है कवर की हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा रहेगा, और यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और दोस्तों कमेंट जरूर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और ज्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन बनाने की और आप तक पहुंचाने की। तो कमेंट जरूर करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। सब्सक्राइब वाइस वर्डप्रेस ग्रुप।